की उम्मीदवार होंगी तो जीत के बाद मां को बधाई देंगे। अभी अभी थोड़ी देर पहले प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ बैठक करके कर्मा परिवार के दोनों सदस्य दीपक कर्मा और छविंद्र कर्मा बाहर निकले हैं, इनसे बातचीत करते हैं। दीपक, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ समझाया गया आप लोगों को? देखिए, सबसे पहले ये जो उपचुनाव है ये बड़ा टफ होता है और संगठन में हम सभी लोग संगठन से जुड़े हुए हैं और संगठन ने जो भी निर्णय लेगा परिवार हित में लेगा और पार्टी हित में लेगा और संगठन का आदेश, निर्देश, मार्गदर्शन जो भी होगा उसको पूरा कर्मा परिवार और कांग्रेस परिवार, दंतेवाड़ा का कांग्रेस परिवार उसको मानेगा। अच्छा, ये भी चर्चा है कि परिवार से बाहर भी किसी को टिकट दी जा सकती है, ऐसी भी कुछ चर्चा हुई क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। परिवार के अंदर पिछली बार आपके बागी तेवर कांग्रेस को भारी पड़े थे, लोग ऐसा कहते हैं। नहीं, हम लोगों ने आज से 15 दिन पहले ही हम लोगों की माननीय सीएम साहब और माननीय पीसीसी चीफ के साथ हमारी बड़े भाई साहब और मदर की, हम लोग तीनों ने मिलकर मीटिंग कर ली थी। हम लोगों ने फाइनल कर लिया था कि पार्टी जिसको दे हम लोग तैयार हैं और चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे। आपकी माता के नाम पे बहुत ज्यादा चर्चा है, आप उस पर सहमत? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल। तो आपने माता जी को बधाई दे दी है? नहीं, अभी तो माता जी आई नहीं है, आए तो बिल्कुल दे देंगे भाई। चलिए, ये मत खुशी होगी कि हम लोग चुनाव जीतने पर बधाई दे तो और अच्छा लगेगा। क्या फायदा मिलेगा जिस तरीके से अभी जेस्चर देखने को मिल रहा है दोनों भाइयों का? निश्चित रूप से हम लोग लगातार एक क्षेत्र के सांसद होने के लगातार उस क्षेत्र से हम लोग संपर्क बनाए हुए हैं और परिवार में बेहतर तालमेल है और परिवार में बहुत अच्छा मतलब एक हो गया है परिवार अभी, तो इसका संदेश निश्चित रूप से पार्टी में भी अच्छा है, हम लोगों में भी अच्छा है और क्षेत्र की जनता में भी अच्छा जाएगी। निश्चित रूप से पार्टी जिसको भी नाम परिवार के अंदर डिक्लेयर करेगा, हम पूरे पार्टी के आदेश पर हम काम करेंगे और निश्चित रूप से चुनाव हम जीतेंगे। ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब हो जाएगा? संभवतः शाम तक। आज शाम तक हो जाएगा और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक देवती कर्मा का नाम कांग्रेस ने फाइनल कर लिया है, इसकी आधिकारिक घोषणा कुछ फॉर्मेलिटीज के बाद कर दी जाएगी। कैमरामैन शाम के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता।